और अभी आपको अहम खबर देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का ऐलामिया जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे फहा चौधरी से। आपको बता रहे हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिसका ऐलामिया जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास जिसका ऐलामिया अब जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का ऐलामिया जारी कर दिया गया है। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। शुरका ने कहा कि किसी के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में तीनों मुसलाफात के सरबराहान शरीक हुए थे और वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। आपको बता रहे हैं कि पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और अब उसका ऐलामिया भी जारी कर दिया गया है। शुरका ने कहा कि किसी के साथ कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में तीनों मुसलाफाज के सरबराहान शरीक हुए। वजीर आजम की सदारत में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। आपको बता रहे हैं कि यह इजलास जो हुआ था, इसका अब ऐलामिया भी जारी कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।